धन कुबेर कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान। कहा बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जखीरा मिलने का जिम्मेवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को ठहराया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी से माफी की मांग करते हुए कहा कि नोटबंदी की योजना फर्जी थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया है। और मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू कांग्रेस सांसद धीरज साहू नहीं, इस तरह के ना जाने कितने घरों में पैसा होगा। जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई है और कह रही है कि इसके बाद काला धन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसे कैसे निकल रहा। हम 2022 को वो दिन याद दिलवाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था। उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है। बसपा के उत्तराधिकारी पर कही ये बात, आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित होने और 2024 में गठबंधन होने की उम्मीद पर अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हम उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनाकर रखी जाएगी। 2024 के चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं कौन किसके साथ आएगा। समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से थे, उनको लेकर चलेंगे। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार से जनता दुखी और परेशान है, इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की प्रदेश सरकार को हिसाब देना है। दिल्ली और लखनऊ वालों के पास सिर्फ अन्याय की गारंटी है, क्या सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है।